एशिया के सबसे हाईटेक गांव सैफई गांव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सैफई गांव में हैं। इटावा जिले के अंतर्गत आने वाला सैफई गांव किसी विकसित मेट्रो शहर के जैसा दिखता है। यहां पर आपको स्विमिंग पूल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम तक तमाम चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। सैफई का खुद का हवाई पट्टी है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, तहसील है, प्रशासनिक भवन है, खुद का थाना है और तमाम चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। इधर एक स्विमिंग पूल है, 2017 में यह स्विमिंग बनकर तो तैयार हो गया लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। हाईटेक दिखने वाला ये स्विमिंग पूल अपनी दुर्दशा पर भी रो रहा है और कहीं ना कहीं जिस स्विमिंग पूल में लोगों को स्विम करना चाहिए था और अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए था, तमाम एथलीट पैदा होने चाहिए थे स्विमिंग पूल से, वो स्विमिंग पूल कहीं ना कहीं ये गुहार लगा रहा है कि हमारा कोई आकर फीता काटकर उद्घाटन तो कर दे। मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सरकार में, यानी उनके जब उस सत्ता में थे तब इसकी नींव रखी गई थी। 2017 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। किसी एयरपोर्ट की तरह दिखने वाला ये स्विमिंग पूल लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। तमाम लोग यहां पर आते हैं, भ्रमण करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिकेट स्टेडियम है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिस क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ आपको कबूतर की पोटी, इसके बाद गाय के गाय भैंस बकरियां और उनके मलमूत्र मिलेंगे और कबूतरों का रैन बसेरा मिलेगा। और यहां पर इसकी भी स्थिति बद से बदतर है। 45,000 दर्शकों वाला यह स्टेडियम ये भी अपने बदहाली पर रो रहा है। जिस स्टेडियम में देश के विश्व के अन्य कोने से खिलाड़ियों का आना होना चाहिए था और वो लोग आकर यहां पर अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते और लोग देखकर उनकी प्रतिभाओं से कुछ सीखते और मनोरंजित होते, वो आज कहीं ना कहीं उस पर ताला लटका और जिसकी वजह से यहां पर इसका विकास नहीं हो पा रहा है। साल 2013 में इसकी शुरुआत हुई, 2017 में यह क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। 325 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम बनाकर तैयार तो कर दिया गया लेकिन वर्तमान सरकारों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ जिसकी वजह से यह स्टेडियम आज अपनी बदहाली पर रो रहा है और यहां पर आज तक कोई भी क्रिकेट मैच तक नहीं हुआ है। बाकी तमाम गांव के लोग हैं, चरवाहे हैं और गाय भैंस बकरियां यहां आकर खूब अपना रैन बसेरा करती हैं और खिलाड़ियों के रूप में 25 करोड़ की लागत से चरवाहा 325 करोड़ रुपए की लागत से अगर हम बोलेंगे इसे अंतरराष्ट्रीय चरवाहा स्टेडियम, जहां पर आज तक कोई भी क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। दर्शकों और मित्रों, बाकी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया है लेकिन वर्तमान सरकारों का ध्यान आकर्षित न होने के कारण से ये गांव का विकास जो है कहीं ना कहीं ठप हो गया। तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बार रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका ये पैतृक गांव सैफई है। सैफई की चर्चा तब होती है जब सैफई महोत्सव का जिक्र होता है और सैफई महोत्सव की वजह से सैफई का नाम जो है पूरे विश्व में विख्यात हो जाता है लेकिन इसी सैफई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दिखाया जाए तो शायद से एशिया का सबसे हाईटेक गांव की संज्ञा इसे दे दी जाती है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी विकसित मेट्रो शहर में होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के सैफई गांव में है और ये एशिया का सबसे हाईटेक गांव है जहां पर खुद का स्टेडियम है, तीन एक मेडिकल कॉलेज, प्रशासनिक भवन और तमाम हॉस्टल और तमाम इंजीनियर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अभी बन रहा है, हवाई पट्टी इसकी खुद की है और सैफई है, ये वही सैफई की धरती है जहां पर जो है तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड के जो है सितारे आकर कभी यहां पर अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे वो जो है सलमान खान हो या फिर अन्य कलाकारों की हम बात कर लें, चाहे रणबीर कपूर हो या रणबीर सिंह हो या दीपिका पादुकोण हो, तमाम लोग आकर अपनी कला का प्रदर्शन यहां पर कर चुके हैं। सैफई महोत्सव हालांकि बंद हो गया है, 2017 के बाद सैफई महोत्सव नहीं हुआ लेकिन चाचा लोग बकरी चरा रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम जगपाल सिंह। ये बताइए यहाँ पर बकरी चराने आते हैं आप लोग? बकरी नहीं है, हम अच्छा सफाई वाले हैं आप, तो क्या सफाई करते हैं? यहाँ तो सब गोबर पड़ा हुआ है, हम क्या करें, जो वहाँ कर्तव्य है ये घास वगैरह काट रहे हैं अपना। अच्छा माली का काम करते हैं तो ये, अच्छा ये बताइए कितना काटे हैं आप? ये सब आपका ही काटा? हमारा ही काटा। अच्छा यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता है? खेलने कोई नहीं, ये स्पोर्ट के लड़के खेलने आते, कोई नहीं। अच्छा कोई बाहर से विदेश से नहीं आया खेलने? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा चाचा ये बताइए, तनख्वाह नहीं साहब हमें मिल रही है? तनख्वाह भी नहीं मिल रही है? 5,000 रुपए ली तो भाग जाइए घर, काट कहे रहे हैं? अब काट कहे रहे, परवत कर रहे, परवत है क्या करे किसान? यहाँ पर देख रेख के लिए तमाम लोगों की नियुक्ति की गई है लेकिन उनकी सैलरी भी जो है ढंग से नहीं दी जा रही है। बाकी इधर स्विमिंग पूल है और ये कहीं ना कहीं किसी के, मैं क्या बोलूं, किसी के राजनेता के घर का पैसा नहीं है, ये
आम जनता के टैक्स का पैसा है और उसकी बर्बादी इस तरीके से हुई है। 5,000 रुपए मिल रहे वो भी टाइम से नहीं मिल रहे। 5,000 दिया जाता वो भी टाइम से नहीं मिल रहा, बजट नहीं आया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आज तक एक भी खेल नहीं हुआ? नहीं हुआ, खेल नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन बनाकर छोड़ दिया गया। अच्छा चाचा, खेल नहीं हुआ तो इसका दोषी कौन है? अब दोषी को सरकार है, दोषी और कौन है? कौन सरकार? योगी सरकार जो वर्तमान में है वही है। अच्छा मतलब योगी जी दोषी हैं। और कौन? जब इनको ये बात पता है तो योगी जी को ये बात काहे नहीं पता है कि यहाँ पर वही दोषी हैं? शायद से उनका ध्यान इधर आकर्षित होता। वर्तमान सरकारों का दायित्व बनता है कि उनके राज्य में बनाई गई धरोहर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कहीं ना कहीं देखभाल करें, और योगी जी इसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति इसकी उत्पन्न हो गई है। बाकी हाईटेक गाँव में और क्या क्या है मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा।